एक जख्मी सोल्जर थोड़े दिनों के लिए लड़कियों के स्कूल में आसरा लेता, पर वहां पर सब लड़कियां उसके पीछे पागल थी। अब आगे क्या होगा ये आज के हमारे मूवी द बिगिन 2017 की एक हॉलीवुड मूवी में हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे इस मूवी का जो टाइम पीरियड है अमेरिकन सिविल वॉर का है, 1800s में का। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटी सी लड़की एमी को देखते हैं। ये जंगल में से गुजरते हुए मशरूम को ढूंढते हुए जा रही थी। अचानक से उसे एक जख्मी सोल्जर दिखा, उसका नाम था जॉन। एक्चुअल में जॉन इस वॉर में उनका एनिमी है। वो जख्मी था और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। एमी का दिल बहुत अच्छा था। वो कहती है, मैं और मेरी टीचर पास में ही रहते हैं, अगर तुम चाहो तो वहां पर आ सकते हो। उसे हेल्प करते हुए अपने स्कूल तक लेकर आती है। जब स्कूल में जा रहे थे तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अब स्कूल में ज्यादा लड़कियां नहीं है। 4-5 लड़कियां हैं जो वॉर की वजह से घर पर नहीं जा सकती, इसी वजह से स्कूल अब तक चल रहा है। जब एमी जॉन को स्कूल तक लेकर आई तो सारी लड़कियां उसे देखने के लिए वहां पर पहुंच गई। इनके हेड टीचर का नाम था मार्था। मार्था कहती है, इस तरीके से किसी सोल्जर को घर पर लाना है बहुत ही डेंजरस है। वॉर के वक्त एनिमी किसी को भी नहीं छोड़ता। मार्था ने ऑर्डर किया कि हमारे सोल्जर को जाकर बता दो, पर बाकी लड़कियां कहती है कि अगर सोल्जर इसे लेकर गए तो इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो इस तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकता। बाकी लड़कियों को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, तो ये डिसाइड करते हैं कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक यही रहेगा और बाद में सोल्जर के साथ उसे भेज देंगे। मार्था को बेसिक फर्स्ट एड वगैरह आता था तो उसका ख्याल रखती है। उसने देखा कि जॉन को गोली लगी है, उसके पैर से उसने सारे पीसेस निकाल लिए। ऐसे हर रोज उनके घर पर कोई भी आदमी नहीं आता तो सारी लड़कियां एक्साइटेड होकर उसे देख रही थी। मार्था उन पर चिल्लाती है और निकल जाने के लिए कहती है। फिर से उस रूम में आने के लिए उसने उन्हें मना कर दिया। आजकल वॉर के हालात बहुत ही खराब है। एक स्टूडेंट जेन कहती है, मेरे फादर और मदर मुझे सेफ चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उसे लगता था कि जॉन को यहाँ रहने देना जरा गलत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इनके साइड के सोल्जर उनके घर के सामने से गुजर रहे थे। सब लड़कियों को ऊपर जाने के लिए कहकर मार्था उन सोल्जर से बात करती है। वैसे तो उसे पहले लग रहा था कि जॉन को उसे उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, पर अब ऐसा नहीं लगता। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए उन सोल्जर से कुछ बुलेट्स ले लेती है। उसके पास गन ऑलरेडी थी। सुबह एमी जॉन को देखने के लिए आई हुई थी, पर जॉन अभी अनकॉन्शियस है। सब प्रे करते हैं कि जॉन जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर मार्था को लग रहा था कि ठीक होकर यहाँ से वो चला जाए। अगले दिन एमी फिर से जॉन से मिलने के लिए आई और अब उसे होश आ गया था। जॉन कहता है कि क्या सुबह हुई है। एमी कहती कि हाँ। जॉन ने कहा कि पंछियों का आवाज बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा था। एमी कहती कि मेरे पास नेस्ट का कलेक्शन है, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। जॉन कहता है कि मुझे देखना बहुत अच्छा लगेगा। एमी और जॉन एक कम समय में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। यह स्कूल में सब लड़कियों को जॉन पसंद है, सिर्फ जेन को छोड़कर, क्योंकि जेन को पियानो बजाना अच्छा लगता है और उसी पियानो रूम में जॉन को रखा गया है। मार्था नोटिस करती है कि जॉन के आने के बाद सब लड़कियां जरा अलग रहने लग गई है। जो ज्वेलरी सालों तक बाहर नहीं निकलती थी अब उन्होंने पहन ली थी। नेक्स्ट सीन में जब मार्था जॉन के पास आई हुई थी तो जॉन कहता है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया। वो अगर उसे हेल्प नहीं करती तो जॉन की अब तक डेथ हो जाती। मार्था बहुत ही चालाक थी। जॉन उसे कितनी भी अच्छी चीजें कहे पर इसका अफेक्ट उस पर नहीं पड़ने देती। ये जब बात कर रहे थे तभी अचानक से एक स्टूडेंट जिसका नाम है अलिशिया इनके रूम में आ जाती है। मार्था ने उसे डांटा और काम करने के लिए भेज दिया। अलिशिया को जॉन पसंद आया था और किसी भी हालात में उसे पाना चाहती थी। वो टीचर के कहने से पीछे हट जाए ऐसी लड़की नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है मरी जॉन से मिलने के लिए आती है। उसे उसने प्रेयर की बुक दी। जॉन उसे थैंक यू कहता है। उसे सारी लड़कियों का अटेंशन मिल रहा था तो ये सब उसे अच्छा लगता है। मरी को रूम से आता हुआ देख उसकी टीचर एडविना उस पर गुस्सा हो जाती है। एडविना ने नोटिस किया कि उसका ये नेकलेस मरी ने पहना हुआ था तो उसे डांटती है। मरी ने कहा कि आपने भी तो अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है। एडविना को डोर पर देख कर जॉन उसे अंदर बुला लेता है। एडविना ने जॉन के नेल्स नोटिस किए जो बहुत ही खराब थे। जॉन कन्फेस करता है कि जब वॉर स्टार्ट हुआ तो बहुत ही डर गया था। उसे लगा कि गड्ढा खोदकर उसमें सो जाए। एडविना को कावड़ लगता है पर जॉन कहता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसी वजह से तुमसे मैं मिल पाया। वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि एडविना उसे अच्छी लगी थी। वो उसके बारे में और भी चीजें जान लेता है। एडविना का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था तो ये बात जॉन को अच्छी लगी। जॉन ने उसे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। मैं इतनी जगह पर घुमाऊं पर तुम्हारी जैसी लड़की को मैंने कहीं भी नहीं देखा। मुझे एक चीज बताओ कि इस वर्ल्ड में अगर तुम्हें सब कुछ चीजें मिल पाए तो तुम क्या पाना चाहती हो।
एडविना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। रात में जब सब लड़कियाँ प्रेयर कर रही थी तो एलिशिया बहाना बनाकर जॉन के रूप में आ जाती है। उसके पास आकर उसने उसे किस कर लिया। जॉन ने भी नींद में उसे नोटिस किया था। रात में डिनर करते वक्त मार्था सब लड़कियों से पूछती है कि हमारे बीच एक सोल्जर रह रहा है, आप इससे क्या सीखी हो। एलिशिया कहती है, मैंने सीखा कि सिर्फ हमारे लाइसेंस के अलावा दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। मार्था उसे समझाती कि तुम्हारी एज में सिर्फ तुम्हें लेसन पर ही ध्यान देना चाहिए। एडविना को जॉन के बारे में लगता था कि वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, उसे वो सही तरीके से समझ सकता है। सब रियलाइज करती है कि जॉन को अपने रूम में सबसे दूर बहुत ही अकेला लग रहा होगा। सब जाकर उसे मिलकर आती है। जेन ने उसके लिए पियानो बजाया, उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। अचानक इनके डोर पर नॉक आता है। सब लोग बहुत ही डर गए थे। मार्था को लग रहा था शायद ये एनिमी है, तो सबको उन्होंने कहा कि अगर ये एनिमी होंगे तो 3 बार वो नॉक करेगी। सब यहाँ से भागकर जंगल में चले जाएंगे, अगर पॉसिबल हो पाया तो वहीं पर वो मिलने वाले थे। मार्था जाकर डोर खोलती है तो उनके ही साइड के वो सोल्जर्स थे। उसने फिर उन्हें किचन में बिठाया। सोल्जर के बारे में रूम में आकर वो सबको बता देती है। मार्था को लग रहा था कि जॉन को सोल्जर्स को दे देना चाहिए, पर बाकी लड़कियां कहती है कि जॉन का लेग अभी इंजर्ड है, अगर ऐसे ही वो ट्रैवल करता तो अपना लेग वो लूज कर सकता है, उसके जान का भी खतरा है, शायद वो लोग उसे लेकर नहीं जाएंगे, रस्ते में मार डालेंगे। उन्हें उनके लिए बुरा लग रहा था तो सब मिलकर डिसाइड करती है कि जब तक जॉन ठीक नहीं हो जाता तब तक उसका ख्याल रखेंगी। जॉन इन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल था। जाते जाते मार्था जॉन से पूछती है, क्या हम ड्रिंक ले सकते हैं, तो जॉन को अच्छा लगता है। जॉन ने मार्था से पूछा, क्या वॉर में आपका अपना कोई था। मार्था इसका आंसर नहीं देती। जॉन कन्फेस करता है कि सिर्फ पैसों के लिए उसने वॉर ज्वाइन की थी। मार्था इस बात को समझती है कि वॉर में बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजें की है जो कभी भी नॉर्मली नहीं करते। आजकल टाइम ही बहुत ही खराब था। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत गए थे। जॉन एक सपोर्ट की मदद से चल सकता था। एमी उसे हेल्प करती है और ये जरा बाहर आते हैं। जॉन को उनकी गार्डन की हालत देखकर खराब लगा। वो कहता है, इसे मैं सही तरीके से टेंड कर सकता हूँ। वो अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं था, पर इन्हें हेल्प करना चाहता था। पूरे गार्डन में काम कर वो उसे अच्छा बना देता है। काम करते करते उसकी नजर एडविना पर भी थी। एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अगले दिन जब वो फिर से काम कर रहा था तो मार्था उसके पास आई, कहती है तुम अब अच्छी तरीके से ठीक हो चुके हो। इस वीक के एंड तक वो जॉन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जॉन ने मार्था से कहा कि अब वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, आपको अच्छे मालिक की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। मार्था इस बात से मना कर देती है। सब लड़कियों को जब पता चला कि जॉन यहाँ से जाने वाला है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। एडविना फिर उसे मिलने के लिए आई। जॉन उसे कहता है, तुमसे मिलना मैं मिस कर रहा था, तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एडविना कहती कि अगर तुम सीरियस नहीं हो तो ऐसी चीजें मत कहा करो। जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, अब मेरे पास चॉइस नहीं है, शायद मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वॉर से अब तंग आ चुका हूँ। एडविना कहती कि वेस्ट में मेरे फादर रहते हैं, वो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। जॉन ने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तभी एक लड़की आकर इन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। डिनर के वक्त सब लड़कियां बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। एलिशिया ने जॉन के लिए एक बहुत ही अच्छा सा पाय बनाया था, ये उसके लिए म्यूजिक भी प्ले करते हैं। चांस मिलने पर जॉन और एडविना ने दोनों डांस करने वाले थे, पर इन्हें मार्था ने इंटरप्ट कर दिया। बात करते करते जॉन फिर से मार्था से कहता है कि मैं यहाँ माली बनकर रह सकता हूँ, पर मार्था ने उसे मना कर दिया। सब लोग डिनर के बाद चले गए। मार्था और जॉन ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, पर ऊपर से एक लड़की चिल्लाती है और ये दोनों इंटीमेट नहीं हो पाए। रात में एडविना को लग रहा था कि जॉन उसके पास आएगा, पर एलिशिया के रूम से उसने कुछ आवाज सुनी। उसने जाकर देखा तो जॉन और एलिशिया इंटीमेट हो रहे थे। जॉन जल्दी से उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एडविना कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। वो इस फाइट में उसे पुश करती है और जॉन स्टेज से नीचे गिर गया। सब लोग वहां पर पहुंच गए। मार्था पूछती है कि हुआ क्या। एलिशिया कहती है, जॉन ने मुझ पर हमला किया था। एडविना भी बहुत रो रही थी। मार्था जब जॉन का पैर देखती है तो बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड हो चुका है, उसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था, अगर ऐसा कंटिन्यू हुआ तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो कहती कि मुझे पैर काटना पड़ेगा। जॉन को जब होश आता है तो बहुत ही ज्यादा रोने लग गया। एडविना उसे देखने के लिए आई। जॉन कहता है, तुमने मुझसे बदला लिया है, मैं तुम्हारे और मार्था के रूम में नहीं आया, इसी वजह से तुमने एक कट कर दिया। वो डिस्कस करती है कि उन्होंने अगर जॉन को जाने दिया
तुमने फ्रेंड्स को वापस लाकर उनसे वो बदला लेगा। डर कर जॉन को उन्होंने बांध दिया था। जब एलिशा उसे मिलने के लिए आई तो जॉन उसे कहता है कि जाकर मार्था के यहाँ से कीज लेकर आओ। वो जब मानती नहीं तो उसके हेयर को पकड़ लेता है। उसने फिर उसे फ्री कर दिया। जब जॉन के रूम के यहाँ से जेन गुजर रही थी तो उसे कहता है कि शायद सब लोग मेरे खिलाफ है, उन्हें मेरे बारे में जरा अच्छी चीजें कहो। अब उसका क्या किया जाए इसके बारे में सब लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो जॉन अचानक से गन लेकर नीचे आ जाता है। सब डर गई थी। वो उसे निकल जाने के लिए कहते हैं और जॉन कहता है कि जब मुझे अच्छा लगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। एमी कहती कि प्लीज चिल्लाओ मत, मेरा टर्टल डर रहा है। जॉन ने एमी का टर्टल लेकर भी उसे फेंक दिया। वो उनकी फ्रेंडशिप को भी भूल चुका था। मार्था एमी से कहती है हमारे डोर पर जाकर एक क्लोथ लगा कर आओ, इसे सोल्जर्स को पता चलेगा कि एनी मीन के घर में छुपा हुआ है। ये करने के लिए एमी गई पर जॉन ने ये देख लिया। वो जाकर उसे पकड़ लेता है। उसे कन्फ्रंट कर रहा था कि ये सारी चीजें वो क्यों कर रहे थे। मार्था उसे बचाने के लिए आ गई। वो सबको घर में ले जाकर बात करता है, कहता है मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता पर अगर ऐसा फिर से हुआ तो किसी ना किसी को तो मैं मार ही डालूंगा। उसकी जो भी हालत हुई है इस हालत के लिए उन्हें ही ब्लेम करता है। वो चला गया पर उसके पीछे पीछे एडविना जा रही थी। मार्था ने उसके पास जाने से उसे मना किया पर एडविना मानती नहीं। सारी चीजें भुलाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मार्था और सब लड़कियां डिस्कस करती कि अब जॉन का करना क्या है। मरी को आइडिया आया कि एमी को मशरूम्स के बारे में बहुत पता है, कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं, ये जॉन को खिला सकते हैं। ये चीज मार्था को भी सही लगती है। मार्था ने फिर जॉन को डिनर के लिए इन्वाइट किया। जॉन फिर से सबसे सॉरी कहता है। मार्था भी कहती है कि मैं इस बात को समझ सकती हूँ, हम सब में एक अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे इसीलिए मैंने आज का डिनर बहुत ही स्पेशल किया है। एमी ने तुम्हारे लिए स्पेशल मशरूम्स लाए जो तुम्हें पसंद है। जॉन भी इसके लिए एक्साइटेड था। जॉन एडविना को ऑफर करता है पर जेन ने कहा तुम्हें तो मशरूम पसंद नहीं थे। जॉन ने मशरूम खाए और उसे बहुत अच्छे लगे। उसे तुरंत सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। इसके बाद उन्होंने सोल्जर को सिग्नल देने के लिए गेट पर क्लोथ बांध दिया। जॉन को एक व्हाइट क्लोथ में डालकर बाहर उसे वो रख कर आते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर हम देखें कि घर की सब लेडीज ने जॉन को बहुत हेल्प की थी पर जॉन सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। जब हेल्प करनी थी तो उन्होंने जॉन की हेल्प की पर जब जॉन ही उनके खिलाफ हो गया तो टफ बनकर उसे वो मार भी डाल दिया। इनका काइंडनेस से कोई भी वीकनेस नहीं था, जब टफ बनना था तो ये बन गए। इस तरीके से वो वर्ल्ड को उनका फायदा उठाने नहीं दे सकती थी। ये मूवी हमें बता कर जाती है कि हम किसी को काइंडनेस दिखा सकते हैं पर जब वही पर्सन हमारा फायदा उठाने लग जाए तो हमें टफ बनना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।